गाइस, वेलकम टू माय चैनल केटोजोलॉजी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ए न्यू टॉपिक, सेल बायोलॉजी। इट इज द मेन टॉपिक ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी एंड इन बीएससी सेकेंड ईयर इट इज इन द बॉटनी। सो लेट्स बी स्टार्ट सेल बायोलॉजी। व्हाट इज सेल बायोलॉजी? ए बायोलॉजिकल साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स ऑफ द सेल। आप सभी जानते हैं सेल क्या है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो सेल की स्टडी करना, सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल का कैसा है, उसकी ग्रोथ के बारे में, उस सेल के रिप्रोडक्शन के बारे में, सेल के जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है सेल बायोलॉजी। अब सेल को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? आप सभी जानते हैं सेल क्या है। हम सब मल्टी सेलुलर एनिमल हैं, तो मतलब एक से अधिक सेल हमारे अंदर है। तो जब सेल्स होती है, कई सारी होती हैं, मोर सेल्स, कई सारी सेल्स मिलकर क्या बनाएंगी, टिश्यूज। कई सारे टिश्यूज मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। अब जब कई सारे ऑर्गन मिल जाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और जब सारे ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो अब जाके एक बॉडी बनती है। तो क्या है सबसे बेसिक यूनिट इसमें क्या है, सेल। सेल के बिना टिश्यू नहीं बनेगा, टिश्यू के बिना ऑर्गन नहीं बनेगा, ऑर्गन के बिना ऑर्गन सिस्टम नहीं, ऑर्गन सिस्टम के बिना बॉडी नहीं। मतलब अगर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए बेसिक क्या है, सेल एक से अधिक होनी चाहिए, तभी क्या होगा, एक हायर या कॉम्प्लेक्स एनिमल डेवलप होगा। अब एक सिंपल लैंग्वेज में हम आपको समझाते हैं, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। आप अपना घर देखिए, जैसे आपके घर में क्या क्या लगा होगा, ब्रिक्स लगी होंगी और उसके साथ बहुत सारे मटेरियल्स लगे रहते हैं। तो ब्रिक्स क्या है, एक एक ब्रिक जोड़कर एक घर बनता है। तो ढेर सारे ब्रिक मिलकर क्या बनाएंगे, एक हाउस। तो हाउस में एक एक ईंट जुड़ा होता है, उसमें बेसिक मटेरियल क्या यूज होता है, ये ब्रिक यूज होता है। ब्रिक के साथ साथ सीमेंट हो गया और सारे मटेरियल जो हैं उनको हम क्या कहेंगे, एडिशनल मैटर कहेंगे, लेकिन मेन क्या है, ब्रिक। बिना ब्रिक के एक हाउस नहीं बन सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बेसिक यूनिट ऑफ द हाउस। बेसिक यूनिट ऑफ द हाउस क्या हो जाएगा, ब्रिक हो जाएगा। इसलिए क्या है, बॉडी हमारी जो है, हम मल्टी सेलुलर एनिमल हैं, तो मल्टी सेलुलर एनिमल होने के लिए हमारे पास क्या जरूरत है, सेल की। सेल का मतलब क्या है, सेल एक से अधिक होगी तभी हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। इसीलिए सेल को हम क्या कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, या यूनिट ऑफ द लाइफ भी कहते हैं इसको। थोड़ा सा हम सेल बायोलॉजी में सेल से रिलेटेड इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। स्टार्टिंग में जब सेल बायोलॉजी के बारे में सबको नॉलेज नहीं थी, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया, बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, लेकिन हम सिर्फ इम्पोर्टेंट इवेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे जैनसन ब्रदर्स, जिनको हम जैनसन एंड जैनसन भी कहते हैं। नाम था इनका फ्रांसिस जैनसन एंड जेकेरियस जैनसन। ताकि वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को देख सकें। सिंपल माइक्रोस्कोप बनाई इन्होंने, जिसकी कैपेसिटी कितनी थी, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को 10 गुना ज्यादा मैग्निफाई करके दिखाता था और 30 गुना ज्यादा, दो लेंसेज इसमें थे। तो जो मैग्नीफाई कर सकता था किसी ऑर्गेनिज्म को 10 गुना और 30 गुना तक मैग्नीफाई कर सकता था। तो इन्होंने जो लेंसेज बनाए, इससे इन्होंने इंसेक्ट को देखा और फ्लीज को देखा। फ्लीज इंसेक्ट कैटेगरी में ही फ्ली आते हैं कुछ, तो फिर ये इंसेक्ट और फ्ली को देखने में काम आते थे ये माइक्रोस्कोप, इसीलिए इसको इन्होंने क्या कहा, फ्ली ग्लासेस भी कहा इन्होंने। इनके बनाए हुए माइक्रोस्कोप को फ्ली ग्लासेस भी कहा जाता है।
इसके बाद इनके बाद एक साइंटिस्ट आए थे गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली ने एक माइक्रोस्कोप बनाई जिसमें इन्होंने क्या देखा, फैसेट्स ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट आई। इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाए, इन्होंने सबसे पहले क्या देखा, फैसेट्स ऑफ इंसेक्ट आई। इंसेक्ट आई आप देखेंगे तो एक कंपाउंड आई होती है जिसमें इनकी आई एक विजन नहीं दिखता है इनको, कई सारे पार्ट में इनको विजन हो, मतलब इनकी आईज का विजन होता है। तो इस तरह से इनकी आईज होती है। इस एक चैम्बर को हम क्या कहते हैं, फैसेट्स, या इसी को हम ओसिलाई भी कहते हैं। तो ओसिलाई इन्होंने क्या किया, गैलीलियो गैलीली ने जो माइक्रोस्कोप बनाई, इन्होंने सबसे पहले फैसेट्स ऑफ इंसेक्ट आई देखा। इन्होंने इंसेक्ट आई के फैसेट्स को देखा सबसे पहले। गैलीलियो गैलीली के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट है मार्सेलो मैल्पीगी। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने थिन स्लाइसेस एनिमल सेल को, सबसे पहले इन्होंने थिन स्लाइसेस ऑफ एनिमल्स की स्टडी की, थिन स्लाइसेस ऑफ एनिमल टिश्यूज। इन्होंने एनिमल टिश्यूज की थिन स्लाइसेस निकाली और उसको स्टडी किया माइक्रोस्कोप में। थिन स्लाइसेस किसकी किसकी, जैसे एनिमल किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, लंग्स हो गया, इन सब की इन्होंने छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं उनके किडनी, ब्रेन, लीवर, लंग्स, सब इन सारे टिश्यूज को क्या किया, उन्होंने एक छोटी छोटी स्लाइस बनाई और क्या करा, उसको माइक्रोस्कोप पर इन्होंने स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद इन्होंने उस स्लाइसेस को नाम दिया यूट्रिकल्स। यूट्रिकल्स इन्होंने उसको नाम दिया, यानी कि ये जो थिन स्लाइसेस में इन्होंने जो स्ट्रक्चर देखे उसको इन्होंने क्या कहा, यूट्रिकल्स। मार्सेलो मैल्पीगी के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आया जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कॉर्क सेल को, एक डेड कॉर्क सेल को की स्लाइस बनाई। कॉर्क सेल की इन्होंने क्या बनाई, स्लाइस बनाई और उसको देखा उन्होंने, जो इन्होंने कॉर्क की सेल में देखा, एक हेक्सागोनल चैम्बर्स दिखे उसमें इनको, इस तरह के चैम्बर्स दिखे। इन चैम्बर्स को उन्होंने क्या नाम दिया, सेल्स। सबसे पहले इन्होंने इस सेल टर्म का यूज किया 1665 में रॉबर्ट हुक को। तो सेल की इन्वेंशन का क्रेडिट इन्हीं को जाता है कि सेल टर्म सबसे पहले किसने कॉइन किया, वो रॉबर्ट हुक थे 1665 में। कॉर्क सेल में जो इनको हेक्सागोनल चैम्बर्स दिखे उनको इन्होंने क्या कहा, सेल। अब सेल सेल को बाद में इन्होंने क्या बताया, जो हेक्सागोनल चैम्बर्स दिखे इन्होंने इसको बताया कि जो ये हेक्सागोनल चैम्बर्स हैं ये वेन्स एंड आर्टरीज, सिमिलर टू, इन्होंने बताया ये जो हेक्सागोनल वेन्स, हेक्सागोनल चैम्बर्स हैं डेड कॉर्क सेल्स की, वो सिमिलर टू वेन्स एंड आर्टरीज ऑफ द एनिमल सेल थे। यानी कि ये इनको लगता था कि ये जो कॉर्क सेल है वो एनिमल सेल के बी वेन और आर्टरीज की तरह है, जिसमें कुछ फ्लूइड भरा होता है, कुछ फ्लूइड भरा होता है, उसको इन्होंने क्या कहा, सेल। इसके बाद एक अदर साइंटिस्ट है जिनका नाम है एंटोनी वॉन लियोवेन हॉक। एंटोनी वॉन लियोवेन हॉक ने एक माइक्रोस्कोप बनाई जिसकी मैग्नीफाइंग कैपेसिटी
300 गुना तक थी, यानी कि एक सेल को वो क्या करता था, 300 गुना ज्यादा बड़ा दिखाता था, 300 गुना ज्यादा मैग्नीफाई करता था। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने लिविंग सेल के बारे में स्टडी किया, एंड डिस्क्राइब इट। एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने सबसे पहले लिविंग सेल के बारे में स्टडी किया है। अभी तक रॉबर्ट हुक ने जो स्टडी किया था, एक डेड सेल थी, डेड सेल कॉर्क सेल थी, और उन्होंने उस हेक्सागोनल चैम्बर को सेल नाम दिया। अब जो एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने स्टडी किया, मैग्नीफाइंग कैपेसिटी जिसकी थी इनके माइक्रोस्कोप की 300 गुना, तो इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को क्या किया, ऑब्जर्व किया, फिर उसको डिस्क्राइब किया। इन्होंने कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया, बैक्टीरिया के बारे में इन्होंने स्टडी करी, प्रोटोजोआ के बारे में स्टडी करी, रूटीफर्स के बारे में, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में इन्होंने स्टडी करी है। और उसके बाद इन्होंने ही सबसे पहले स्पर्म सेल की स्टडी की थी, स्पर्म सेल्स के बारे में स्टडी की इन्होंने, और इन्होंने स्ट्राइटेड मसल्स के बारे में स्टडी की। इनके जो सारे इन्वेंशंस थे वो लंदन के रॉयल सोसाइटी में अभी तक प्रिजर्व्ड हैं, या अभी तक वहां पर रिकॉर्ड की रखे हुए हैं, इनके रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। ये तो थे मेन मेन सा हिस्ट्री थी इसकी, कि कैसे क्या सेल बायोलॉजी में इन्वेंट किया गया था, सेल के बारे में किसने कैसे बताया। अब सेल रिलेटेड, सेल के रिगार्डिंग कुछ थ्योरीज हैं, जिनमें दो थ्योरीज इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम एक को सेल थ्योरी नाम देते हैं और दूसरे को हम प्रोटोप्लाज्म थ्योरी का नाम देते हैं। तो हम देखते हैं वो दोनों थ्योरीज के बारे में। तो सबसे पहले सेल थ्योरी की बात जब हम करेंगे, तो एक साइंटिस्ट थे मैथियास जैकब सेल्डन, इन्होंने क्या बताया सेल के बारे में, सेल क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्लांट, प्लांट के स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो सेल है, इन्होंने बताया। और उसके बाद थियोडर शॉन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया कि ये जो सेल है वो स्ट्रक्चरल यूनिट एनिमल्स में भी है, यानी कि इन्होंने मैथियास जैकब सेल्डन ने बताया कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट है प्लांट की, और थियोडर शॉन ने बताया स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनिमल भी है सेल। उसके बाद एक नागेली साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया, प्लांट सेल जो है वो एराइज होती है फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, एक जो सेल है प्लांट की वो पहले से मौजूद सेल के डिवीजन से ही बनती है सेल, कहीं और से नहीं आती है। इनके बाद एक साइंटिस्ट है रुडोल्फ वर्कॉफ, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जो नागेली के प्रिंसिपल्स थे इनको कंफर्म किया, और अपनी कंफर्मेशन को अपने एक लेटर में ऑमनिस सेलुला ई सेलुला में लिखा, जिसको इन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को लिखा हुआ था। तो इन्होंने इस अपने मतलब लेटर में इनके इस एक्सपेरिमेंट को क्या किया, सपोर्ट किया। फिर आए लुईस पाश्चर, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिए किसके, वर्कॉफ की सेल थ्योरी को प्रूव करने के लिए इन्होंने, लुईस पाश्चर ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया इन्होंने। तो इन सब साइंटिस्टों के कंक्लूजन के बाद जो सेल थ्योरी का कंक्लूजन निकला कि सेल आखिर है क्या, वो ये चार पॉइंट हैं। पहला क्या है, आर लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, यानी कि सभी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, लिविंग सेल्स नहीं, आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ मेनी सेल्स, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कई सारी सेल्स का बना होता है, किसी एक सिंगल सेल का नहीं। सिंगल सेल के भी एनिमल्स होते हैं, उनको हम यूनिसेलर कहते हैं, लेकिन जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक से अधिक सेल से बने होते हैं। पहला कंक्लूजन तो ये था। दूसरा था, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स टेक्स प्लेस विद इन द सेल, यानी कि मल्टी सेलर एनिमल्स में जो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, रेस्पायरेशन है, और भी जो है डाइजेशन की प्रोसेस है, वो कहाँ टेक प्लेस, यानी कि वो कहाँ पर हैपन होता है, वो ये घटना होती कहाँ पे है, ये सेल के अंदर होती है, यानी
यानी कि सेल में ही सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं ऑर्गेनिजम्स की। और थर्ड पॉइंट था, ईच सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम अदर सेल्स, दैट इज नो सेल्स ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली, यानी कि सभी सेल्स जो हैं पहले से मौजूद सेल से ही बने हुए हैं, कोई सेल अचानक से ऐसे दुनिया में नहीं आ गया या कहीं से अचानक नहीं आ गया किसी के आशीर्वाद से। तो सभी सेल क्या है, पहले से मौजूद सेल के डिवीजन से ही नई सेल बनी है और कहीं से अचानक से सेल नहीं आई है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, स्मॉलर डिफाइंड यूनिट ऑफ लाइफ, सेल को क्या कहते हैं, सबसे छोटी यूनिट क्या है, लाइफ की सबसे छोटी यूनिट क्या है सेल की। तो सेल थ्योरी की ये मेन चार पॉइंट हैं। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। ये थी सेल थ्योरी, सेल थ्योरी खत्म हुई तो अब हम प्रोटोप्लाज्म थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट थ्योरी हमारी है प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी इसलिए दिख रही है क्योंकि सबने देखा कि जो सेल है उसके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को क्या कहते हैं। सब अलग अलग साइंटिस्टों के अलग अलग व्यूज थे। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फेलिक्स डुजार्डिन। फेलिक्स डुजार्डिन ने प्रोटोजोअन सेल्स की स्टडी की, प्रोटोजोअन सेल्स की स्टडी की इन्होंने, और इन्होंने बताया कि प्रोटोजोअन सेल में जो लिक्विड होता है, लिक्विड या जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इन्होंने जो प्रोटोजोअन सेल में लिक्विड जेली लाइक मटेरियल देखा उसको इन्होंने क्या कहा, उसको इन्होंने कहा सारकोड। डुजार्डिन ने इस जेली लाइक मटेरियल को सारकोड कहा। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जेई परकिंजे, जेई परकिंजे ने क्या कहा कि ये जो लिक्विड मटेरियल है प्लांट सेल्स में, इन्होंने देखा इसको, इस लिक्विड मटेरियल को इन्होंने प्लांट सेल में देखा, और प्लांट सेल के लिक्विड मटेरियल को इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इस प्लांट सेल के लिक्विड मटेरियल को कहा प्रोटोप्लाज्म, यानी कि प्रोटोप्लाज्म टर्म इन्होंने सबसे पहले क्वाइन किया था। इनके बाद एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था मैक्स सुलजे। इन्होंने बताया सिमिलरिटी बिटवीन सारकोड एंड लिक्विड मटेरियल। इन्होंने बताया प्रोटोप्लाज्म का जो लिक्विड है मटेरियल सारकोड है, और प्लांट सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी जरूर है। तो इन्होंने तो ये बता दिया कि जो फेलिक्स डुजार्डिन ने सारकोट बताया है प्रोटोजोअन का जो एनिमल सेल में है, और जो परकिंजे ने प्लांट सेल में प्रोटोप्लाज्म बताया है, इन दोनों में लगभग जो फ्लूइड मटेरियल है ये लगभग दोनों सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। फिर इनके बाद एक साइंटिस्ट आए, इन सब की थ्योरीज को अलग अलग करके उन्होंने डिफाइन किया। अगले साइंटिस्ट हैं ओ हार्टविक। इन्होंने क्या बताया, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो फ्लूइड भरा हुआ है वो दोनों एक ही है, और जो सेल में न्यूक्लियस होता है, कुछ फ्लूइड न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस फ्लूइड को उन्होंने क्या कहा, सेल में जो मेन है, सेल का मेन का ऑर्गेनल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है उसको उन्होंने न्यूक्लियोप्लाज्म कहा, और न्यूक्लियस के बाहर सेल में जितने भी हैं फ्लूइड ऑफ सेल, सेल फ्लूइड को इन्होंने क्या कहा, साइटोप्लाज्म, या ऐसे को आप प्रोटोप्लाज्म कह सकते हो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का स्पेस होता है इसमें एक सेल में उसमें भरा होता है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इन दोनों को कंबाइंडली क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म।
तो हार्टवेग ने क्लियर किया कि न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म है और सेल के अंदर का फ्लूइड साइटोप्लाज्म है, वो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों में हम इन दोनों को क्या कहेंगे, कंबाइनली प्रोटोप्लाज्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स एंड डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स एंड टाइप्स ऑफ सेल्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।